फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मैजिकल मीनाक्षी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितनी ब्राइट मॉर्निंग है आज, और गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और अभी सिर्फ 9 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी तेज धूप है। तो मैंने सोचा कि आज मॉर्निंग में कुछ ड्रिंक बनाया जाए जिससे हम रिफ्रेश फील करें और हमारे बॉडी को काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन मिले, और हाइड्रेटेड रहना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है इस सीज़न में। फ्रेंड्स, तो आज मैंने सोचा क्यों ना आज सौंफ की शरबत बनाई जाए, जो कि हमारे किचन में बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है और ये काफ़ी टेस्टी होता है पीने में। और सौंफ के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं फ्रेंड्स, इसमें बहुत से फाइबर्स, कैल्शियम, और ये जो हमारे डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है और इससे हमें किसी भी तरीके की इन्फेक्शंस एंड वायरस से दूर रखने में ये हमें मदद करता है, और ब्लड को भी प्यूरीफाई करता है और स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है सौंफ। तो सौंफ के शरबत बनाने के लिए आपको बहुत ही मिनिमल इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स। इसके लिए आपको चाहिए होता है सौंफ, शुगर, आइस क्यूब्स और दैट्स इट। और आप इसको इतना जल्दी बना सकते हैं जितना आप कभी सोच भी नहीं सकते कि इतना डिलीशियस, अच्छा टेस्ट वाला शरबत इतना जल्दी बन के तैयार होगा। इसके लिए आपको सौंफ को थोड़ी देर के लिए पानी में सोक करके रखना है ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए, और इसके बाद जैसे ही ये सोक हो जाए, 10 से 15 मिनट मैक्सिमम इसको सोक करना है, और इसके बाद जैसे ये सोक हो जाता है अच्छे तरीके से, इसको आपको पीस लेना है मिक्सी में, और ये काफ़ी दरदरा सा ऐसे कोरस इसका टेक्सचर होगा पीसने के बाद। और पीसते ही इसमें आपको जितना भी आपको, जैसे कि मैं बना रही हूँ यहाँ पे 4 ग्लास शरबत, तो इसके लिए मैंने 4 ग्लास पानी इसलिए नहीं लिया है क्योंकि ऑलरेडी मैंने 1 ग्लास पानी में इसको सोक किया था। तो मैंने 3 शुगर की क्वांटिटी फ्रेंड्स आपको ईच ग्लास जो है मैंने 3 चम्मच लिया है। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 4 चम्मच भी डाल सकते हैं, अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप इसे 2 चम्मच में भी मैनेज कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ज़्यादा मीठा पसंद है या कम मीठा पसंद है। तो फ्रेंड्स, इसमें अब बारी है कि हम शुगर को अच्छे से मिक्स कर लें और इंश्योर करें कि ये अच्छे से मिक्स हो के और पूरा मेल्ट हो जाए, क्योंकि मैंने पाउडर शुगर इसमें ऐड नहीं किया है, क्योंकि मैं पर्सनली पाउडर शुगर ऐड नहीं करती शरबत में क्योंकि उससे मुझे अंदाज नहीं मिल पाता है। तो इसलिए अब बारी है कि हम इसे स्ट्रेन करें एक जग में और इसे सर्व करें आइस क्यूब्स के साथ, और ठंडा ठंडा ये शरबत बहुत ही यम लगता है। आप इसको ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा मेरे हाथ का ये सौंफ का शरबत आपको। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मैजिकल मीनाक्षी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।